हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं ग्रेड 8 से इट्स सो हैपेंड बुक का चैप्टर 4, द ट्रेजर विद इन, इसके क्वेश्चन आंसर्स और इसकी एक्सरसाइज। सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन चेक का जो फर्स्ट पार्ट है उसके क्वेश्चन आंसर्स को कर रहे हैं। व्हाट डिड हफीज कॉन्ट्रैक्टर हैव नाइटमेयर्स अबाउट, रात में हफीज कॉन्ट्रैक्टर को कैसे कैसे सपने आते थे। Hafiz contractor would often get continuous nightmares about appearing for a mathematics examination where he did not know anything. रात में उनको जो है हमेशा एक डर सा लगता था कि वो हमेशा जो है एग्जाम में जब भी बैठ रहे हैं मैथ के, उनको जो है कुछ नहीं आ रहा उसके अंदर, कोई भी वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। What did the principal say to him which influenced him deeply? ऐसी क्या बात प्रिंसिपल ने कही जिसको उन पर या उनके ऊपर बहुत ज्यादा उसका प्रभाव पड़ा। The principal told Hafiz that his mother used to work extremely hard to bring him up and paid all his fees on time despite his father's absence. उनकी प्रिंसिपल ने हफीज से कहा कि आपकी मदर जो है वो इतनी कड़ी मेहनत करती हैं, आपको एक तरह से बड़ा करने में इतनी मेहनत कर रही हैं, आपकी सारी फीस का खर्च उठा रही हैं और समय पर डिपॉजिट करती हैं, जबकि आपके फादर की फादर नहीं है, तब भी वो आपकी मदर पूरी आप मेहनत करके आपकी पढ़ाई पे वो कर रही है, खर्चा कर रही है। Further, he also mentioned that Hafiz was a good student and with a little efforts towards his studies, he would be able to score good grades. साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि तुम एक बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, अगर तुम जरा सी कोशिश करो अपनी पढ़ाई में तो तुम बहुत अच्छे ग्रेड्स ला सकते हो। He motivated the young boy to rise to the occasion and study hard and also sideline his sport activities for the time being. उन्होंने उनको बहुत ज्यादा एक तरह से प्रोत्साहित करने की कोशिश करी कि तुम जो हो अब पढ़ाई करो, मेहनत करो कड़ी, और जो तुम्हारी स्पोर्ट एक्टिविटीज हैं अभी थोड़े दिनों के लिए उनको साइडलाइन कर दो। That year, I did not step out onto the field. What was he busy doing that year? उस साल उसने फील्ड पर कदम नहीं रखा। क्या कर रहे थे वो, कहाँ बिजी थे पूरे साल? Being an active sports person, Hafiz was the senior champion in school for many years, and he always loved engaging himself in playing games, especially cricket. एक्टिव स्पोर्ट्स पर्सन होने के कारण हफीज जो हैं वो सीनियर चैंपियन भी थे अपने स्कूल में कई सालों तक, और उनको बहुत अच्छा लगता था क्रिकेट खेलना। बट व्हेन हिज प्रिंसिपल इन्फ्लुएंस्ड हिम टू स्टडी फॉर हिज एसएससी डेडिकेटेडली, ही गेव अप प्लेइंग ऑफन एंड दैट ईयर ही डिड नॉट स्टेप आउट ऑनटू द फील्ड। लेकिन जब उनकी प्रिंसिपल की बातों से वो इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने जो है डिसाइड किया कि एसएससी की जो पढ़ाई है वो बहुत अच्छे से करेंगे, तो उन्होंने खेलना छोड़ दिया और उस साल वो फील्ड पर भी नहीं आए। He went for prayers only and all he did was to eat and study for the exams. वो सिर्फ बस prayer के लिए जाते थे या फिर खाना खाते थे, इसके अलावा वो सिर्फ पढ़ाई करते थे। What distraction did Hafiz contractor create one day? क्या एक अलग सा distraction जो है create किया Hafiz contractor ने? Hafiz was always interested in playing funny pranks. जैसे होता है ना मजाक करना किसी के साथ, उसमें बड़ा मजा आता था उन्हें। One day he created distraction by playing chor police for full 1 hour at school. एक दिन उन्होंने डिस्ट्रैक्शन क्या क्रिएट किया कि उन्होंने चोर पुलिस का पूरा एक घंटे गेम खेला स्कूल के अंदर। वुड यू हैव लाइक टू पार्टिसिपेट इन द डिस्ट्रैक्शन, हैव यू बीन विद हिम? आपको अच्छा लगता कि अगर आप भी जो है इस तरह के डिस्ट्रैक्शन में हिस्सा लेते अगर उनके साथ होते? यस, आई वुड लव टू पार्टिसिपेट इन सच डिस्ट्रैक्शन एज इट इज अ काइंड ऑफ ब्रेक फ्रॉम अ रेगुलर रूटीन वर्क। क्योंकि ये एक तरह का ब्रेक है, जब आप लगातार कोई चीज कर रहे हो तो उससे थोड़ी देर मन हट जाता है, तो ऐसे में ब्रेक के लिए आपको कुछ इस तरह की चीजें करने में बहुत आनंद आता है। अब है कॉम्प्रिहेंशन चेक 2। हफीज कॉन्ट्रैक्टर वांटेड टू जॉइन द पुलिस फोर्स, व्हाई डिडंट ही? हफीज कॉन्ट्रैक्टर जो है वो पुलिस फोर्स जॉइन करना चाहते थे पर क्यों नहीं कर पाए? हफीज कॉन्ट्रैक्टर वाज इंटरेस्टेड टू जॉइन द पुलिस फोर्स बट हिज मदर डिड नॉट एक्सेप्ट द प्रोस्पेक्ट। उनकी मदर तैयार नहीं थी वो इस जॉब को चुने। इंस्टेड शी टोल्ड हिम टू कंप्लीट हिज ग्रेजुएशन फर्स्ट। उन्होंने कहा नहीं तुम पहले अपनी ग्रेजुएशन पूरी करो। सून आफ्टर दैट ही जॉइन जय हिंद कॉलेज इन बॉम्बे, और उसके बाद ही उन्होंने जो जय हिंद कॉलेज था बॉम्बे में उसको ज्वाइन कर लिया। इन द आर्किटेक्ट्स ऑफिस हफीज कॉन्ट्रैक्टर वाज एडवाइज्ड टू ड्रॉप एवरीथिंग एंड ज्वाइन आर्किटेक्चर, व्हाई? जब वो आर्किटेक्ट के ऑफिस में पहुंचे तो वहां उनको ऐसा क्यों कहा गया कि तुम सब कुछ छोड़ो और आर्किटेक्चर ज्वाइन कर लो? इन द आर्किटेक्ट्स ऑफिस हफीज कॉन्ट्रैक्टर सॉ समबडी वाज ड्रॉइंग अ विंडो डिटेल व्हिच इज एन एडवांस्ड फॉर्म ऑफ ड्रॉइंग। आर्किटेक्ट के ऑफिस में हफीज ने देखा कि एक जो है कोई विंडो की डिटेल्स बना रहा है जो कि बहुत ही एडवांस फॉर्म होती है ड्राइंग की। He told that person that the drawing was wrong and the window would not open as strong.
अब उन्होंने उस आदमी से कहा, तुम ये जो ड्राइंग बना रहे हो ये गलत है, क्योंकि इस तरह से विंडो नहीं खुलेगी। That person initially disagreed, but soon realized that his drawing was indeed wrong. अब वो आदमी ने पहले तो मना किया, लेकिन बाद में उसे लगा कि हाँ वाकई में ये ड्राइंग गलत है। When Hafiz's cousin husband saw this, he was taken by surprise and asked him to draw a few specific things, such as to design a house to which he compiled. अब जब उनके हफीज के जो कजिन थे उनके हस्बैंड ने देखा तो वो थोड़ा अचंभित हुए और उन्होंने उनसे कुछ खास तरह की ड्राइंग्स जो है बनाने को कहा, जैसे घर डिजाइन करने को, जिसको उन्होंने फिर कंपाइल किया। His relative were impressed and immediately asked him to nurture Hafiz's natural talent and join architecture at the earliest. अब उनके रिलेटिव जो थे वो इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने फौरन बोला कि भाई ये हफीज में एक नेचुरल टैलेंट है और उसको जो है जितना जल्दी से जल्दी हो सके आर्किटेक्चर ज्वाइन करना चाहिए। What was Mrs. Gupta's advice to Hafiz's contractor? अब Mrs. Gupta की क्या एडवाइस थी हफीज कॉन्ट्रेक्टर को? Mrs. Gupta was one of Hafiz's school teachers in the second or third standard. Mrs. Gupta जो है वो हफीज की स्कूल टीचर थी second or third standard में, who saw his beautiful sketches in school and had advised him that he should grow up to become an architect someday. उन्होंने बचपन में उनके स्कूल में जब वो ड्राइंग ड्रॉ करते होंगे तो स्केचेस देखे होंगे, तब उन्होंने सलाह दी थी कि तुम जो हो बड़े होकर किसी न किसी दिन आर्किटेक्ट बनना। What made her advise him so? अब ऐसा उन्होंने एडवाइस क्यों दी? She would often tell him that he was useless in everything except the beautiful sketches he drew. वो हमेशा कहती थी तुम बाकी सब चीजों में तो बेकार हो, लेकिन हाँ तुम ये स्केचेस बहुत अच्छे ड्रॉ करते हो। Due to this reason, she felt that he should nurture his hidden talent and grow up to become an architect. इसी कारण जो है उन्हें ऐसा लगा कि ये इनके अंदर एक ऐसा टैलेंट है जो छिपा हुआ है, उसे बढ़ावा देना जरूरी है और बड़े होकर ये आर्किटेक्ट बने। How did he help fellow students who had lost a button? कैसे उन्होंने जो अपने साथ के स्टूडेंट की मदद करी जिसका बटन खो गया था? When the fellow students lost a button while playing or fighting, they would often come running to him and he would help them by cutting a button from chalk or by using an ordinary blade. जब भी साथ वाले स्टूडेंट का बटन खो जाता था खेलने में लड़ने में, तो वो हमेशा जो है इनके पास भाग के आते थे और वो क्या करते थे, चौक से एक बटन काट के बनाते थे, छोटा सा ऑर्डिनरी ब्लेड जो है उससे चौक को काटते थे और उनका बटन बना देते थे। Which rules did he break as a school boy? अब एक स्कूल बॉय की तरह उन्होंने कौन से रूल्स थे जो ब्रेक किए? हफीज ब्रोक मेनी रूल्स बाय स्टडीइंग एट स्कूल। स्कूल के टाइम पे उन्होंने बहुत सारे रूल्स को ब्रेक किया। ही यूज्ड टू कॉपी ड्यूरिंग द एग्जामिनेशंस, लॉयटर अराउंड एमलेसली, प्ले फनी प्रैंक्स एंड जोक्स ऑन अदर्स। एग्जाम के टाइम पे वो चीटिंग करते थे, इधर उधर फालतू में घूमते रहते थे, जोक्स क्रैक करते थे, प्रैंक्स क्रैक करते थे दूसरों पे। ही वुड ऑल्सो गेट इन्वॉल्व्ड इन गैंग फाइट्स एंड प्लान स्ट्रेटजीज। लड़ाइयाँ होती थी उसमें जो है वो घुस जाते थे या स्ट्रेटजी प्लान करते रहते थे। He would often create distractions by playing chore police games at school during study hours. और वो जो है कि जैसे भटकना वाला बहुत चीज होती है ना, तो वो क्या करते थे जिस समय पढ़ने का टाइम है उस टाइम पे वो चोर पुलिस के गेम खेलते थे स्कूल में। What is Hafiz contractor's definition of mathematics? अब हफीज कॉन्ट्रैक्टर की क्या डेफिनेशन है मैथमेटिक्स की? अकॉर्डिंग टू हफीज कॉन्ट्रैक्टर, Mathematics is a mix of putting design, construction, psychology and sociology together and make a sketch by combining all these elements together. Hafiz contractor ke anusar mathematics jo hai ek mixture hai jisme design, construction, psychology aur sociology sab mila kar dali jati hai aur phir ek sketch banta hai in sare elements ko jod kar. How would you want to define mathematics? Do you like the subject? Aap kaise mathematics ko define karoge? क्या आपको ये सब्जेक्ट पसंद है या आपका सेल्फ अटेम्प्ट क्वेश्चन है? अपनी मर्जी से आप जो आंसर पसंद आए लिख सकते हैं। इन माय ओपिनियन आई वुड डिफाइन मैथमेटिक्स एज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट फॉर दोज हु एंजॉय सॉल्विंग अर्थमेटिकल कैलकुलेशंस एंड प्रॉब्लम्स। ये इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है उन लोगों के लिए जिनको इस तरह की अर्थमेटिक की कैलकुलेशंस को या प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मजा आता है। बट दीज पीपल डोंट एंजॉय प्लेइंग विद नंबर्स एंड कैलकुलेशंस, इट टर्न्स आउट टू बी नाइटमेयर फॉर देम। अच्छा, जिसको मैथ समझ में नहीं आती है, जिसको इंटरेस्ट नहीं होता है, उसके लिए एक बहुत बड़ा नाइटमेयर जैसा होता है। Answer the following questions. It is likely that someone who is original and intelligent does not do very well at school. Should such a learner be called a failure? If not, why not? ऐसा होता है कि जो काफी ज्यादा ओरिजिनल है, इंटेलिजेंट है, जरूरी नहीं है वो हर चीज में अच्छा हो स्कूल में। ऐसे लर्नर को आप क्या कहोगे, फेलियर? अगर नहीं तो क्यों नहीं?
A learner who is original and intelligent but does not do very well at school cannot be called a failure in life. हम उसको failure नहीं कह सकते क्योंकि जिंदगी अभी बहुत पड़ी है. स्कूल में अगर वो नहीं अच्छा कर रहा तो जरूरी नहीं है कि आगे लाइफ में भी वो अच्छा नहीं करेगा. This is because every student has his or her own set of strengths and weakness. हर एक की अपनी strong points होते हैं, हर एक के अपने weak points होते हैं. From this conversation between Miss Belareja and Mr. Hafiz contractor, we learned that being bright in academics is not enough to do well in life. आप पढ़ाई में अच्छे हो तो जरूरी नहीं है कि आप जिंदगी में भी अच्छे हो. A person should try to nurture his or her natural talent and polish it in order to stand out in a crowd. इंसान को उसका जो खुद का एक अपना नेचुरल टैलेंट है उसको बढ़ाने की जरूरत है, उसको संवारने की जरूरत है ताकि वो भीड़ में अलग दिख सके. We observed that Hafiz was not so bright academically, but he had a hidden talent and knew how to draw beautiful sketches of different things such as forts, houses, etc. कहने को हफीज जो है पढ़ाई में अच्छे नहीं थे लेकिन उनके अंदर एक छिपा हुआ टैलेंट था जिसमें वो जानते थे कितने सुंदर स्केचेस बनाना है अलग अलग चीजों के, जैसे फोर्ट्स के, घरों के, वो स्केचेस बहुत सुंदर बनाते थे. However, it is evident that an individual's talent is not always visible in her academic records. तो individual का जो talent है, वो हर वक्त हो सकता है आपके पढ़ाई के records में ना visible हो. Hence, such people should be encouraged to showcase their hidden talent and be appreciated for it instead of considering them to be an utter failure. ऐसे में जो लोग होते हैं उन्हें एनकरेज करना चाहिए ताकि वो जो उनकी छिपी हुई कला है उसको निखार सकें, उसकी प्रशंसा करनी चाहिए बजाय उनको ये मानने के कि वो पूरी तरह से फेलियर है. Who in your view is an unusual learner? आपकी नजर में अनयूजुअल लर्नर कौन सा है? In my opinion, an unusual learner is one who is genius in his or her own right. अपने तरीके से वो जीनियस है, वही अनयूजुअल है. This means that a person who is bright and intelligent and has a hidden talent or skill needs to be polished from every angle. अब कोई एक इंसान जो है वो bright है, intelligent है, उसमें अपनी एक कला है, उसकी skills को बढ़ाने की जरूरत है, संवारने की जरूरत है हर तरीके से. What can schools do to draw out the best in unusual learners? Suggest whatever seems reasonable to you. अब ये अगेन आपको सेल्फ अटेम्प्ट क्वेश्चन है कि स्कूल्स किस तरीके से जो अनयूजुअल लर्नर्स हैं उनको उनमें से बेस्ट को बाहर निकालें. One of the best options for the schools to draw out the best in the unusual learners is to stop comparing or categorizing every child on the basis of their academic performance. सबसे बड़ी बात यह है तुलना मत करिए, कंपेयर मत करिए, कैटेगराइज मत करिए कि तुम जो एकेडमिक परफॉर्मेंस में उससे कम हो या तुम्हारे तुम फेलियर हो. They should stop measuring child by simply following mechanical methods of teaching. खाली टीचिंग के मेथड्स के तरीके से बच्चे को जज नहीं करना चाहिए. They should appreciate the hidden talent or skill of the learners and encourage them to polish their abilities in every aspect. उन्हें जो है बच्चे की ये जो hidden talent है या skill है इसको और appreciate करना चाहिए, encourage करना चाहिए ताकि वो जो अपनी abilities हैं उनको हर तरीके से और निखार सकें. तो ये था आपका chapter. आपको अच्छा लगा, समझ में आया? सब्सक्राइब करो हमारा चैनल असा एजुकेशन. बाय.